कैसे हो सब जी? उम्मीद है सब ठीक ठाक हो गए। तो आज हम लेकर के हाजिर हैं कुछ ऐसे टर्म्स जो बहुत ही काम करेगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में। हमारा टॉपिक वही चल रहा था, इन द केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो बहुत परेशान करते हैं, समझ नहीं आते इसको क्या करें कैसे करें, कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है, देखो बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। पहले भी कुछ हमने हल्की फुल्की बात करी इस बारे में, और पहले जो हमने बात करी है कि अगर हमें एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, जब भी क्वेश्चन आएगा इसका तो एक बैलेंस शीट की बात चलेगी, एक बैलेंस शीट दिया होगा, हो सकता है ये लायबिलिटी साइड और ये हमारा एसेट साइड है। ऐसा हम सब जानते हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एसेट साइड में जो भी आइटम्स लिखे जाएंगे वो सब के सब एसेट माने जाएंगे, चाहे वो असली हो, नकली हो, रियलाइज हो या रियलाइज उसे ना हो। और उसे कहाँ ट्रांसफ़र करना है ये भी हमने पहले वीडियो में बता दिया है। एंड सिमिलरली जो हमारे लेफ्ट साइड है, यहाँ भी जो कुछ लिखे गए होंगे सब के सब क्या हैं, लायबिलिटीज़ हैं। अब चाहे वो लायबिलिटीज़ ऑनर्स इक्विटी हो, ऑनर्स फंड हो या एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हो, तो जो एक्सटर्नल हैं वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, पहले हमने बात कर दी है। और जिस एसेट से वसूली हो सकती है उसको हमने बता दिया, पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे लायबिलिटीज रह जाएंगे कि जो हमारे बैलेंस शीट में शो नहीं होंगे, बैलेंस शीट में वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, चाहे एसेट्स है या लायबिलिटीज़ है। कुछ सब नहीं, कुछ ऐसे लायबिलिटीज़ हैं जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है या शो नहीं हो रहे हैं। कुछ ऐसे एसेट्स हो सकते हैं जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में नहीं हो रिकॉर्ड। तो जो एसेट्स या लायबिलिटीज़ हमारे बैलेंस शीट में शो नहीं है, दिखाई नहीं पड़ते, इन्हीं एसेट्स और लायबिलिटीज़ को हम लोग कहते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। अब सवाल ये उठता है कि जो अनरिकॉर्डेड है एसेट हो चाहे लायबिलिटी हो, अब बिजनेस हमारा बंद हो रहा है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो गया है, अब सारे संपत्तियों को बेचना है, वसूलना है, दायित्वों को चुकाना है, तो इनको क्या करें? नेचुरली जो अनरिकॉर्डेड हैं लेकिन फिजिकली कहीं ना कहीं अवेलेबल है एसेट हमारे बिजनेस में है बट बैलेंस शीट में नहीं है, बात अलग है। जो लायबिलिटी है कहीं क्रिएट हो गया, कहीं से पेमेंट करना हमको पड़ गया लेकिन बैलेंस शीट में नहीं है, अनरिकॉर्डेड है, तो इनके हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना होगा? जब इस तरह की बात आएगी जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं उनको हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो पहले हम बात करते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट के बारे में, क्या सिचुएशन बन सकते हैं। हम नंबर एक में लेते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ये जो अनरिकॉर्डेड एसेट हैं, अगर कोई आता पता नहीं है, कोई वसूली नहीं है, तो बिल्कुल आप भूल जाओ, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे अनरिकॉर्डेड एसेट से हमें कुछ वसूली होती है, इफ देयर इज समथिंग रियलाइज फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ इसको लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग एक इसको लिखेंगे कि इसको ए ले लेते हैं, लेजर में कहाँ कहाँ ले जाएंगे। अगर हम लोग लेजर बनाएंगे, लेजर मीन्स वही रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, ये हमारे लेजर हैं। तो लेजर के नाम पर जो हम लोग बनाएंगे, तो लेजर के नाम पर तो एक हम लोग बनाते हैं, कौन सा? रियलाइजेशन अकाउंट। ये ध्यान रखना कि रियलाइजेशन अकाउंट तभी बनता है जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है। जब पार्टनरशिप के बिजनेस बंद हो गया, सारे खंड बिखंड हो गए, संपत्तियों को बेचो, दायित्वों को चुकाओ, अपने अपने घर चले जाओ, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये अकाउंट बनाते हैं। पहले हमने बता चुका है पहले वीडियो में कि सबसे पहले हम लोग बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, फिर बनाते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। आपको एक बार याद दिला दें ऑर्डर में कि जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो पहला लेजर जो हम लोग बनाते हैं या क्लोज करने के लिए बुक्स, तो पहला लेजर हम लोग बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, और ये नॉमिनल अकाउंट है, पहले भी हमारी बात हो चुकी है।
दूसरा अकाउंट भी हम बना सकते हैं, ज़रूरी है पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर पार्टनर्स का लोन दिया हुआ है, हमारे रिकॉर्ड में है, तब ये बनेगा। अगर पार्टनर्स लोन है ही नहीं, बैलेंस शीट में है ही नहीं, तब ये लेजर नहीं बनेगा। पार्टनर्स लोन अकाउंट, हम सब जानते हैं कि कोई भी पार्टनर अपने प्रोविज़न के हिसाब से, डीड के हिसाब से फर्म को लोन दे सकता है, लेकिन व्यापार अब क्लोज हो रहा है, व्यापार के सारे या टर्मिनेट हो रहे हैं, उस समय में जब बैलेंस शीट को हम देखते हैं तो उसमें पार्टनर्स लोन अकाउंट अगर है तभी बनेगा। ई पार्टनर्स लोन अकाउंट इज़ नॉट अवेलेबल इन द बैलेंस शीट, देन देर इज़ नो नीड टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है, नहीं भी हो सकता, अगर होगा तब बनेगा। तीसरा, हम लोग लेजर बना सकते हैं इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जब फर्म के विघटन हो, जब फर्म समाप्त हो, तब की बात चल रही है। तो एक अकाउंट और हम लोग बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर हालत में बने, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर होगा, वो दिखलाई पड़ेगा किधर, बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में, तो ये अकाउंट हम लोग बनाएंगे क्लोज करने के लिए, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। कैसे बनेगा, क्या लिखा जाएगा, किस साइड में कौन सा आइटम्स होंगे, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एक चौथा अकाउंट भी हम लोग बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी पहले हमारी बात हो चुकी है। ये तो पूरा पूरा चांसेस है कि पार्टनर्स का कैपिटल तो होंगे ही होंगे, अब चाहे वो सीयर्स लायबिलिटी साइड में भी हो सकते हैं। कभी कभार बड़ा धोखा होता है, ये पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस एसेट साइड में होता है, तो हमने कहा था वो पार्टनर्स का कैपिटल बेच कर कुछ आने वाला नहीं है, इसलिए वो उससे वसूली का कोई मतलब नहीं है, अतः उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, रेशन अकाउंट में नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इस साइड में जाता है, अगर इस साइड में होगा तो जाहिर सी बात है कैपिटल में ही जाएगा, रेशन में नहीं जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और अंत में हम लोग बनाते हैं कैश या बैंक अकाउंट। ये पांच अकाउंट हम लोग बनाते हैं, जब व्यापार हमारा ख़त्म होता है, पार्टनरशिप समाप्त होता है, तब बनाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं किस पर, इसकी बात करेंगे और थोड़ी बहुत इसकी बात करेंगे, हो सकता है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की बात करें। तो हमारे जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं, अगर ये रियलाइज होते हैं, वसूल होते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में तो है नहीं पहले से कि हम ट्रांसफ़र करेंगे डायरेक्टली बुक वैल्यू पर, ठीक है, उसका बुक वैल्यू तो है ही नहीं, हाँ अलग मूल्य कुछ भी लिखा है उसका, उससे कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल अमाउंट जो उससे वसूली होती है, द एक्चुअल अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट्स, यही ध्यान रखना, द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट्स। प्रिंट प्राइस कुछ भी हो, उसका कुछ भी वैल्यू लगा हो, वो अलग बात है, कितनी वसूली हम करते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स से, तो उसको कहाँ लिखेंगे, तो वही बात लिखी होगी। अनरिकॉर्डेड एसेट हमारा है, अगर कैश रिलाइज समझा, अगर ये रियलाइज करते हैं तो क्या करेंगे, इसको लेजर में कहाँ दिखाएंगे, तो रिलेशन अकाउंट के सिंबॉलिक हम कह रहे हैं, इसके हम लोग लेकर चलेंगे सीआर साइड में। सीआर साइड में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भैया, इसमें हम जाहिर सी बात है सीआर साइड में बाई से लिखते हैं कुछ, तो लिखेंगे बाई कैश, और इसको बैलेंस शीट का परफॉर्मा हम मिटा दें कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसको मिटा दें। रिलेशन अकाउंट हम बनाते हैं, उसके दो हिस्से होते हैं, सीयर साइड भी और डीयर साइड। हमने सीयर साइड के संकेत कर दिया है, सीयर साइड पढ़ेंगे आप, और इधर क्या लिखेंगे, सीयर साइड में बाई लिखेंगे, तो वसूली क्या हो रही है, कैश, या तो आप कैश लिखिए या बैंक लिखिए इसके सीयर साइड में, और अमाउंट कौन सा लिखना है आपको, एक्चुअल जो रियलाइज हो रहा है, एक्चुअल जो असली अमाउंट आप रियलाइज करते हैं, उसी अमाउंट को लिखना है। और एक और लेजर में ट्रांसफ़र हम लोग करते हैं चीज़ को, दूसरा लेजर है कैश या बैंक।
कैश या बैंक अकाउंट आप बनाएंगे तो उस लेजर में भी ये जाएगा, द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट्स दो लेजर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक तो पहले चले जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के सीएल साइड में कैश या बैंक के नाम से एक्चुअल अमाउंट लिख देंगे हम लोग, और दूसरा कौन सा लेजर कैश या बैंक लेजर जब बनाएंगे तो इस लेजर के ये जाएगा डीआर साइड में। तो डीआर साइड में टू से लिखते हैं हम लोग, तो टू का संकेत यहाँ पर मारेंगे, टू क्या लिखेंगे तो ये लिखेंगे इस नाम से जाएगा। अमाउंट कौन सा लिखेंगे, वही जो एक्चुअल अमाउंट है। और कैसे शो करेंगे इसको, इस तरह से पिक्चर ले लेना, मिटाएंगे जरा इसको। हमने एक सिंबॉलिक आपको बता दिया, दो लेजर में इसका इफेक्ट होगा, किस साइड में जाएगा, किस नाम से लिखेंगे ये आपने देख लिया। अगर उसका प्रोफॉर्मा हम आपको दिखा दें कि कैसे लिखिएगा आप इसको, जब हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट तो ये ऐसे हम लिखते हैं, और जब बनाओगे आप कैश एंड बैंक अकाउंट तो ऐसे हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि लेफ्ट साइड क्या है, डीआर साइड कहते हैं, और राइट साइड को कहते हैं सीआर साइड। तो लिखें ना लिखें बात वही होगी, चलिए लिख भी देते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम सीएल साइड, समझाने के लिए बस लिख रहे हैं कि जैसे हमें अनरियलाइज एसेट से जो कैश वसूल हुआ है तो इसको लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के सीएल साइड में। तो आप ऐसे लिखोगे, कैश लिखो या फिर बैंक लिखो, और जो एक्चुअल अमाउंट है वो एक्चुअल अमाउंट आप यहाँ पर लिख दो, बात ख़त्म। दोबारा इसको हम लिख चलेंगे कैश के लेजर में, और जब कैश में आएंगे तो हम लोग इसको लिखेंगे डीआर साइड में। किस नाम से लिखेंगे इसको लिखेंगे हम लोग, शॉर्टकट ले लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, और जो अमाउंट आपने वसूल किया उसको यहाँ पर डाल देंगे। तो कह सकते हैं व्हेन द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट्स इन दिस केस रियलाइजेशन अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड कैश और बैंक अकाउंट इज डेबिटेड विद द एक्चुअल अमाउंट रियलाइज्ड। ये आपको याद रखना है कि जब अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो अमाउंट रियलाइज करते हैं उस अमाउंट से रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। ये बिल्कुल कंफर्म हो गया, ये तो बात हो गई लेजर की। अच्छा, कई बार जर्नल पूछता, आप इसको स्क्रीन पर देख लेना, मिटाएंगे। ये हमने बात करी जब लेजर में ट्रांसफ़र करेंगे तो किस किस लेजर में और किस साइड में और कौन सा अमाउंट लिखेंगे, तो हो गई बात। कई बार जर्नल में पूछ देता है कि जर्नल आपको जर्नलाइज करना है, द समथिंग रियलाइज फॉर्म में अनरिकॉर्डेड एसेट तो जर्नलाइज करना है। तो अगर इस चीज़ को हमें जर्नलाइज करना होगा तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ बगल में नेट कर देते हैं जर्नल। ये तो लेजर की हमने बात करी कि लेजर में कैसे जाएगा, शो करोगे, और यहाँ हम एक बी नंबर मान करके जर्नल देखते हैं कि इस चीज़ को हम जर्नल में क्या करेंगे। अगर हमें जर्नल बनाना हो इस चीज़ को, अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज अगर है तो जर्नल करना है तो नेचुरली या तो कैश को डेबिट करें या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, और इसमें हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, सॉरी क्रेडिट करेंगे। जो आप अमाउंट लिखोगे यहाँ पर एक्चुअल एक्चुअल अमाउंट जो रियलाइज है वही यहाँ पर आ जाएगा फिगर में। नरेशन आप लिख सकते हैं जो आप सिंपल चाहें, जिस तरह से करना चाहें, बीइंग अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम, उसका नाम रख दीजिए जो नाम होगा अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो दोनों केस हो गया। तो पहले केस में हमने देखा कि अगर अनरिकॉर्डेड एसेट से अमाउंट रियलाइज करते हैं, चाहे वो जितना का भी रहा हो एसेट, तो उसको लेजर के नाम पर कहाँ कहाँ शो करेंगे,
और उसको जनरल बनाना हो तो फिर जनरल क्या डेबिट करेंगे और क्या क्रेडिट करेंगे। तो ये आपको काम का, चाहे आप बीकॉम में पढ़ते हो, बीकॉम पार्ट वन में हो, आप आईकॉम सेकेंड, जिसमें हो, जहाँ भी चैप्टर पढ़ना है, जहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ना है, कहीं भी बस एक ही ट्रीटमेंट इसका होगा, चाहे कोई भी क्लास आपका हो। तो बीकॉम पार्ट वन, बीकॉम ऑनर्स में भी पढ़ना होता है, उनको सेम यही काम करना होता है, लेकिन बच्चे ध्यान देते हैं ना, इसलिए बहुत दिक्कतें आती हैं। तो ये केस हो गया, अब देखते हैं तो इसको मिटा दें, मिटाते हैं जी। एक दूसरा भी हो सकता है, ये तो बात तब हुई ना कि जब अनरिकॉर्डेड एसेट से अमाउंट रियलाइज किया गया। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम में से का मतलब है कोई पार्टनर ऐसे एसेट को लेने के लिए एग्री हो जाए। अगर पार्टनर्स के बीच में यह सहमति बनती है कि इसमें से कोई एक पार्टनर रेडी है कि जो अनरिकॉर्डेड एसेट है वो टेक ओवर करेगा, वो ले लेगा, तो हो सकता है इस तरह की बात हो। कोई पार्टनर अगर अनरिकॉर्डेड एसेट को लेता है, टेक ओवर करता है, तो नेचुरली एक वैल्यू तय किया जाएगा। व्हेन ए पार्टनर इज एग्री टू टेक ओवर द अनरिकॉर्डेड एसेट्स अपॉन एग्रीड वैल्यू, सभी पार्टनर अपना तय करेंगे कि कितना मूल्य इसका लगाया जाए, कितना वैल्यू किया जाए। तो जो भी पार्टनर उसको लेगा, उस अनरिकॉर्डेड एसेट को, तो नेचुरली उसके नाम पर लिखना चाहिए, और वही वैल्यू लिखेंगे जो तय किया गया है, जो तय शुद्ध है। तो अगर हम इसको देखें, ये जो हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट है, टेकन बाय एनी पार्टनर, अगर कोई पार्टनर ले लेता है, तो हम लोग लेजर में कहाँ कहाँ शो करेंगे। इफ अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन ओवर बाई एनी ऑफ द पार्टनर्स, साझेदारों में से किसी ने इस अनरिकॉर्डेड एसेट को ले लिया है, तो लेजर में कहाँ कहाँ लिखेंगे। तो बात कर लें हम फिर लेजर के, नेचुरली हम जानते हैं जो पहला लेजर बनाते हैं वो है रियलाइजेशन अकाउंट। एक संकेतिक हम यहाँ पर मार देते हैं, शॉर्टकट लिखें रियलाइजेशन अकाउंट, किस साइड में लेके जाएंगे। तो इसके हम लोग लेके जाएंगे सीयर साइड में ही लेके जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट सीयर साइड। और जब आप सीयर साइड में पहुँचते हैं तो नेचुरली बाई से लिखते हैं, उस पार्टनर का नाम जिसने एसेट लिया हो, तो लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये लिखा जाएगा, ये वर्ड, ये लाइन लिखी जाएगी रिलेशन अकाउंट में। तो जाहिर सी बात है सीधा साइड में हम लोग बाई से लिखते हैं, ये वर्ड आएगा, और अमाउंट कौन सा आएगा, जो एग्रीड वैल्यू, जो सहमत लोग हैं कि इसी वैल्यू पर जो एग्रीड वैल्यू है वो हम लोग अमाउंट डाल देंगे, इसको एग्रीड वैल्यू डाल देंगे, ठीक है जी। अब एक और लेजर इसके आते हैं साथ ही साथ, नौ देखना, इसमें कैश और बैंक की बात नहीं है। पार्टनर ने लिया है तो पार्टनर के पर्सनल जो अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट होता है, उससे एडजस्ट किया जाएगा। तो चलिए एक लेजर और बनेगा, वो बनेगा यहाँ पर कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर लेगा उसके कैपिटल अकाउंट में कहाँ लिखेंगे, तो यही आइटम उसके कैपिटल अकाउंट के डियर साइड में लिखा जाएगा। तो नॉर्मली डियर साइड में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टू से शुरू करते हैं, और क्या लिखेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे, तो बिल्कुल जो तय किया गया है। तो कह सकते हैं व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट इज टेकन बाय एनी ऑफ द पार्टनर्स, देन रियलाइजेशन अकाउंट इज क्रिएटेड एंड कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड, डेबिट कर दिया उसको, और अमाउंट कौन सा आएगा, एग्रीड वैल्यू, जो तय किया गया। अब इसको बना करके लेजर हम देखें कि शो कैसे करेंगे लेजर में। दो लेजर अफेक्टेड है इससे, तो एक तो लेजर हमारा अफेक्टेड है रियलाइजेशन अकाउंट। अगर आप इसको ऐसे बनाते हो, और एक लेयर हमारा अफेक्ट है जो कंसर्न पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट,
तो उसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, कुछ तो नाम रहा होगा उसका, नेचुरली लिखे ना लिखे लेफ्ट साइड डियर साइड है और राइट साइड सियर साइड है। तो पहले देखते हैं इसका, अगर किसी पार्टनर ने अनरिकॉर्डेड एसेट को ले लिया है तो रिलेशन अकाउंट के सियर साइड में लिखा जाएगा। तो ये है रिलेशन अकाउंट के सियर साइड, उस पार्टनर का नाम। बताइए कौन सा वैल्यू लिखेंगे, जो एग्रीड वैल्यू है आराम से लिख देंगे चीज़ को, उसका वैल्यू जो कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, जो तय किया गया है कि यही वैल्यू उसका होगा उसी वैल्यू को लिखना, इसका ध्यान रखना। और पार्टनर्स के किधर लिखेंगे, पार्टनर्स के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, डेबिट है क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। इस तरह यहाँ पर सेव करेंगे, तो बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है कि जब कोई पार्टनर एसेट को ले लेता है रिलेशन को, तो इसके यहाँ लिखते हैं और ये यहाँ लिखते हैं। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। अब इसको हम मिटाते हैं। अगर किसी पार्टनर ने एसेट को ले लिया है तो उसका जर्नल बनाने के बोलेगा, तो फिर क्या बनाएंगे। ये तो हो गई बात लेजर की, बात हो गई कि लेजर में हम कहाँ कहाँ पोस्टिंग करेंगे। दो हमारे लेजर अफेक्टेड थे, एक तो रिलेशन अकाउंट अफेक्टेड था और कंसर्न पार्टनर था उसका कैपिटल अकाउंट। हाँ, एक और याद दिला दें, कई बार पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स का करंट अकाउंट होता है, हमने पहले एक लिस्ट में दिखा दिया था। अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट होगा, नोट याद रखना, अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट होगा तो जहाँ जहाँ यह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो, इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र ना करके पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। विशेष बात हम वहाँ करेंगे जब करंट अकाउंट बनाएंगे, तो स्पेशली हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे वहाँ पर, बात और समझ में आ जाएगी। फिलहाल एक लाइन याद रखना कि जब पार्टनर्स करंट अकाउंट अवेलेबल है बैलेंस शीट में, तो ये जितने आप कर रहे हो कैपिटल अकाउंट जहाँ जहाँ लिखे थे उसको न लिखकर हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसको मिटाते हैं। अगर हमें जर्नल बनाना पड़े, एनी अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन ओवर बाई एनी पार्टनर, देन जर्नलाइज कैसे करेंगे इस चीज़ को। अगर हमें जर्नल बनाना हो, इसी चीज़ को जर्नलाइज करना हो, क्योंकि अक्सर एग्जाम वगैरह में अक्सर आते रहते हैं जर्नल, और सबसे खतरनाक बात हो जाती है जर्नल बनाने वाली बात, ऑब्जेक्टिव में पूछते रहते हैं किसको डेबिट, डेबिटेड, क्रेडिटेड, ये वर्ड इस्तेमाल करते रहते हैं। अगर जर्नलाइज करना है इसको, ये लेजर मैंने लिखा था, अगर हमको जर्नल बनाना हो तो क्या डेबिट करेंगे क्या क्रेडिट करेंगे। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट किसी पार्टनर ने ले लिया है और उसको जर्नलाइज करना है तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, वो कंसर्न पार्टनर संबंधित पार्टनर मीन्स जिसने लिया है वो एसेट, कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। अगर करंट अकाउंट उसका है तो यहाँ कैपिटल वर्ड हटा करके करंट अकाउंट लिख देना, सेम बात रहेगी, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो अमाउंट लिखना है नेचुरली आपको पता है, जो एग्रीड अमाउंट है आप लिख लीजिए यहाँ पर, उसका जो एग्रीड वैल्यू है, और वही कहानी समझ आएगी। बस जनरल थोड़ा सा एक डाल देना, बींग डॉटेड एसेट, या ऐसे कर दो अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट काम खत्म कर देना। तो उम्मीद ये बात समझ में आ गई कि जब कोई पार्टनर लेता है तो हम लोग क्या लेजर में कहाँ कहाँ लिखते हैं और जर्नलाइज कैसे करते हैं। इसको फिर मिटाते हैं, देखते हैं। ये भी पॉइंट हो गया, ये हमारा पॉइंट हो गया। इसके बाद एक और केसेस का उठाते हैं। अगर
इसको मिटा दे पहले, जरा ले ले, मिटा रहे हैं इसको। अगर किसी अनरिकॉर्डेड एसेट को किसी पार्टनर ने नहीं लिया, उसके अमाउंट भी वसूल नहीं किए गए, बल्कि हमारे जो महाजन है जो क्रेडिटर से, हो सकता है कि वो रेडी हो जाए कि अनरिकॉर्डेड एसेट हमें दे दी जाए पेमेंट के रूप में, तो ऐसा हो सकता है कि अनरिकॉर्डेड एसेट हमारे क्रेडिटर एक्सेप्ट कर लें, कोई बात नहीं है। तो तीसरा भी कारण हो सकता है, अनरिकॉर्डेड एसेट एक्सेप्टेड बाय क्रेडिटर। एक्सेप्टेड बाय क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर ने, हो सकता है कि वो सहमत हैं, तैयार हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी क्रेडिटर ने अनरिकॉर्डेड एसेट को एक्सेप्ट कर लिया है, देन हम क्या एंट्री करेंगे, क्या जर्नल बनाएंगे, किस लेजर में ले जाएंगे। बस सीधी सी बात है, अगर ऐसा होगा तो कहीं कुछ नहीं करना है, नो एंट्री, नो ट्रांसफर टू एनी लेजर। एनी लेजर वो किसी में नहीं जाएगा, यानी कुछ भी हम लोग उसका नहीं करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसको समाप्त करते हैं। ये तो कहानी हमारी हो गई अनरिकॉर्डेड एसेट्स की, तीन कहानी मैंने बता दी। जब कैश में वसूल होगा तो कहाँ कहाँ लिखेंगे, क्या जर्नल बनाएंगे। जब कैश में वसूल ना होकर के कोई पार्टनर लेने के लिए तैयार हो गया तो क्या क्या एंट्री करेंगे, कैसे करेंगे। हमारे महाजन तैयार हो गए तब क्या एंट्री करेंगे। अब आते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ के बारे में। हम सब जानते हैं कि जो लायबिलिटी बैलेंस शीट में शो नहीं है, बैलेंस शीट में नहीं दिखाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। लेकिन उसका पेमेंट करना पड़ जाता है, परिस्थितियाँ हमारे ऐसे सामने आती हैं कि पेमेंट करना है। तो जब पेमेंट करना है तो देखते हैं क्या हो रहा। इसको मिटा दे रहे हैं आप पूरा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अगर इसको पे किया गया, पेड बाय द फर्म, अगर फर्म इस लायबिलिटी को पे करती है तो क्या एंट्री होगी। तो फिर वही कहानी आएगी लेजर वाली बात, इसको हम लोग लेजर में कहाँ कहाँ शो करेंगे। तो जब लेजर में हम लोग आएंगे तो ये कहानी आ जाएगी। एक तो हम लोग लेजर बनाते हैं, कौन सा, रिलेशन अकाउंट, इसके दो साइड हैं, तो किस साइड में इसको शो करेंगे, जो लायबिलिटी शो कर रहे हैं, तो उसके हम लोग आ जाएंगे सीयर साइड में, किस नाम से लिखेंगे। जब सीयर साइड में आएंगे तो हम लोग लिखेंगे टू कैश या बैंक, अमाउंट कितना लिखेंगे, जो एक्चुअल अमाउंट हमने पे किया है, चाहे जितना भी लायबिलिटी रहा हो पता नहीं, लेकिन जितना ये पेमेंट किया जाएगा, पेमेंट करने को कहा जाएगा क्वेश्चन में, उतना ही एक्चुअल पेमेंट अमाउंट भी हम नोट करेंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं एक्चुअल पेमेंट, ये हम उसको लिख देंगे। और एक और लेजर इससे अफेक्टेड होगा, और वो लेजर है चूँकि कैश या बैंक, कैश कहें या फिर बैंक अकाउंट कहें, तो इस लेजर के किस साइड में ये बात लिखी जाएगी। तो चूँकि ये पेमेंट है इसलिए कैश या बैंक के हम लोग डियर साइड में लिखेंगे। किस नाम से लिखेंगे, वही नाम आएगा बाई और ये एक्चुअल अमाउंट आएगा। तो दो लेजर अफेक्टेड हमारे हो गए।
अब देखना जब दोनों लेजर हम ओपन करेंगे तो कैसे शो करेंगे, कहाँ दिखाएंगे। अगर हम यहाँ पर एक रिलेशन अकाउंट खोलते हैं, ओपन करते हैं, और जो कैश अफेक्टेड है यहाँ पर हम कैश अकाउंट शो कर देते हैं, कैश या बैंक अकाउंट, लेफ्ट साइड, राइट साइड, डियर साइड, सीयर साइड, तो कहाँ लिखेंगे। अगर हमें पे करना है, हमने कर दिया कैश में, तो रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में इसको हम यहाँ दिखाएंगे, कैश के नाम से दिखाइए या बैंक के नाम से दिखाइए। और इसी आइटम को कैश से बैंक के लेजर में हम दिखाएंगे इस साइड, सीयर साइड में। किस नाम से दिखाएंगे, ध्यान रखना, कई लोग क्रेडिटर्स का नाम लिख देते हैं, उस लायबिलिटी का नाम लिखते हैं जिसका पेमेंट किया, वो नहीं लिखना है। रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा फिगर आएगा जो आपने पे कर रखा है एक्चुअल। तो इस प्रकार ये दोनों लेजर अफेक्टेड है, हम इसे दिखा सकते हैं। कई बार बोलने के लिए वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हेन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज पेड, तब क्या होता है भाई, तो रिलेशन अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैश और बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड। ये लाइन याद रखना आप जिसको, चलिए मिटाते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर ये लायबिलिटी चुकाने के लिए राजी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम देते हैं लायबिलिटी, एनी पार्टनर इज रेडी टू पे, पार्टनर एग्रीज टू पे। हम देखते हैं ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को लेने के लिए तैयार हो जाए। इफ एनी पार्टनर एग्रीज टू टेक ओवर द लायबिलिटी टू पे, अगर पेमेंट करने के लिए कोई पार्टनर जब तैयार होगा तब हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे अकाउंटिंग। और नेचुरली ऐसी दशा में भी दो लेजर हमारे अफेक्टेड होंगे। जब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कोई पार्टनर लेने को राजी है, पे करने को राजी है, तब भी हमारे दो अकाउंट, दो लेजर अफेक्टेड होंगे। एक है रियलाइजेशन अकाउंट, तो कहाँ शो करेंगे इसको, तो इसको हम लोग शो करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डियर साइड में। किस नाम से देखेंगे, तो इसको हम लोग देखेंगे टू उस पार्टनर का नाम लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे, एक्चुअल अमाउंट जो पे करना है, जो अमाउंट टेक ओवर किया है, जितना उस चुकाएगा वही अमाउंट लिखा जाएगा इसमें। दूसरा हमारा लेजर है तो कैश और बैंक चुकाना तो है नहीं, और सीधे वो पार्टनर का नाम आएगा, तो जो पार्टनर है उसका नाम हम लिख रहे हैं। केस हमारा क्या, अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी चुकाने के राजी होता है, वैसी दशा में क्या करना है, तो एक और लेयर हमारा आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है यहाँ आएगा, तो इसको क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग सीयर साइड में इसको दिखलाएंगे। किस नाम से लिखेंगे सीयर साइड में, तो बाई अमाउंट वही रहेगा एक्चुअल अमाउंट। तो ये कहानी हमारी है। तो कह सकते हैं कि अगर किसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को कोई पार्टनर चुकाने को राजी है या टेक ओवर करता है, वैसे हालत में हम लोग दो लेजर में कहाँ कहाँ लिखेंगे, तो रिलेशन अकाउंट के हम लोग किधर लिखेंगे, डियर साइड में लिखेंगे इस नाम से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से, और अमाउंट डालेंगे एक्चुअल जो अमाउंट टेक ओवर किया है जो चुकाने के लिए। और दूसरा एक और लेजर अफेक्टेड होगा, उस पार्टनर का अपना कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के किस साइड में लिखा जाएगा, तो उसके सीयर साइड में इस नाम से लिखा जाएगा। तो ये हमारी बात हो गई। अच्छा, ये दोनों हमने बात कर दी। अगर हमको दिखलाना हो, लेजर बनाकर दिखलाना हो, तो ये दोनों लेजर को कैसे हमें दिखलाएंगे, तो यहाँ हम एक शो कर लेते हैं
एक हम शो कर लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, और इसको कहाँ दिखलाएंगे, कैसे दिखलाएंगे। हम सब जानते हैं कि लेफ्ट वाला साइड डी आर है और ये वाला साइड सी आर है, एंड सिमिलरली उस पार्टनर का अपना कैपिटल अकाउंट हो सकता है, उसका नाम लिखा जाएगा इसमें, ये जो हमारे इंसिडेंट है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कोई पार्टनर लेता है तो इन दो लेजर अफेक्ट हो तो कहाँ से लिखेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट के लिखेंगे हम लोग ये डी आर साइड में, क्या लिखेंगे, उस पार्टनर का नाम, पार्टनर्स कैपिटल, और जो अमाउंट टेक ओवर किया है उस अमाउंट को डाल देंगे, और फिर इसी चीज़ को उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के कहाँ लिखेंगे, सी आर साइड में। वर्ड क्या आएगा, और वही अमाउंट जो अमाउंट उन्होंने चुकाने के लिए है। तो इस प्रकार हम ऐसे एक सिंबॉलिक याद कर सकते हैं कि अमाउंट कहाँ कहाँ जाएगा, किस साइड में जाएगा। अगर लेजर में दिखलाना है, जब हम लोग बनाएंगे दोनों लेजर, तो इसको कहाँ कहाँ शो करेंगे, कौन से अमाउंट डालेंगे, यह कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन अक्सर एग्जाम में कई बार इस इंसिडेंट को वो जर्नलाइज करने के लिए बोल जाता है, जर्नलाइज करना अगर पड़ गया तो इसी चीज़ को हम लोग कैसे जर्नल बनाएंगे। हम नीचे दिखला देते हैं जर्नलाइज कैसे करोगे इस चीज़ को। तो जर्नल जब करना होगा, हम यहाँ पर नोट कर देते हैं कि जर्नल, अगर जर्नल बनाना है तो क्या करेंगे, जब जर्नल बनाना है तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, चूँकि ये लॉस है, नुकसान है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हम जो पे करते हैं, ध्यान रखना ये लॉस है, एक प्रकार का हमारा नुकसान है, इसलिए इसको रिलेशन अकाउंट में डेबिट करते हैं, क्योंकि ये अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, कर दिया, और जो पार्टनर ने टेक ओवर किया है उसके नाम पर डाल दिया, पार्टनर्स या पार्टनर कंसर्न पार्टनर कह सकते हैं अकाउंट। तो थोड़ा सा नरेशन भी हम लोग डाल सकते हैं, बीइंग डॉट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टेकन बाई डॉट पार्टनर, कोई तो पार्टनर होगा जिसने ले रखा है इसको, क्लियर यहाँ तक है। तो इस प्रकार हम लोग इस इंसिडेंट को कहाँ कहाँ लिखेंगे, किस साइड में लिखेंगे, किस नाम से लिखेंगे, अगर जर्नलाइज करना होगा तो क्या डेबिट करेंगे और क्या क्रेडिट करेंगे, इसको पक्का ध्यान रखना। एग्जाम में चूँकि दोनों में से कोई भी आ सकता है, और जब जब हम लोग डिसलेशन और पार्टनरशिप फर्म का काम करते हैं उसमें तो कहीं ना कहीं पॉइंट हो सकता है। इसको मिटाते हैं और देखते हैं एक और केस, और ये हमारा हो गया लायबिलिटी का, ये केस हो गया, जर्नलाइज भी हमारे हो गए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे, एक और टॉपिक लेकर के हम आएंगे कि जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की जो प्रोसेस हम लोग चलाते हैं, इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो प्रोसेसिंग होता है कि कैसे सारे संपत्तियों को बेचना है, वसूलना है, वसूल करके फिर धीरे धीरे लायबिलिटीज़ को चुकाना है, ये प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि बिजनेस अगर पार्टनरशिप हम बंद हो जाए तो एक दिन में सारा सेल हो जाएगा, सारा रुपया वसूल हो जाएगा, अब चुका देंगे, ऐसे कहने के लिए भले कोई कह सकता है, बट प्रैक्टिकल पोजिशन में ऐसा नहीं हो सकता है। संपत्तियों को बेचने में, पैसा वसूलने में कई दिन महीनों लग सकते हैं, तो धीरे धीरे वसूली होती है और तब हम धीरे धीरे चुकाने का काम भी करते हैं। तो ये जो डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस चलता है, इस प्रोसेस में हमारे एक्सपेंडिचर भी होते रहते हैं, उसको हम लोग कई नाम देते हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी कहते हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंस भी कह देते हैं, वाइंडिंग अप एक्सपेंस भी कहते हैं। तो ये जो डिसोल्यूशन प्रोसेसिंग का जो एक्सपेंडिचर है, रियलाइजेशन एक्सपेंस है, वो कई बार पार्टनर फर्म, पार्टनरशिप फर्म अपने चुकाती है, कई बार पार्टनर चुकाते हैं, तो ये हमारा एक सेपरेट टॉपिक है। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे कि अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस का क्या क्या केसेस हो सकते हैं, क्या क्या परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिसमें कौन चुकाएगा, फर्म चुकाएगा, पार्टनर चुकाएगा, तो क्या क्या एंट्री हम लोग बना सकते हैं, कैसे जर्नलाइज करेंगे, कौन कौन सा लेजर अफेक्टेड होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, ओके।